अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम एडवोकेट उम्मेहानी इंतखाब। वेलकम बैक टू माय क्लास, टू द स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद द क्लास। सो आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डॉट्स। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डॉट, डेफिनेशन ऑफ डॉट एंड व्हाट इज नेचर ऑफ डॉट, पर्पस ऑफ डॉट लॉ, why do we need dot law, that all we have discussed and with so many examples and case laws also we have covered. Okay, so our today's topic is types of dots. Kitne types hain dots ke? So there are three types of dots depending upon the tort feasor's intent. Jo tort feasor hai, jo wrong doer hai, uske intention ke basis par tort law ko तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज इंटेंशनल टॉर्ट, जानबूझकर किए जाने वाला नुकसान। जो आप जानबूझकर करते हैं, किसी का नुकसान आप जानबूझकर करते हैं, तो वो कवर होगा इंटेंशनल टॉर्ट के अंडर। ओके, नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस, लापरवाही। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही करना, गलती से कुछ कर देना, लापरवाही, वो आता है आपका नेग्लिजेंस के अंदर। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थर्ड पार्ट है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इसका मतलब होता है चाहे आपने जानबूझकर किया या गलती से किया या इंटेंशनली किया, कैसे भी किया, लापरवाही से किया, कैसे भी किया, नुकसान तो आपको ही भुगतना पड़ेगा कैसे भी किया है। ओके, तो ये आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर। सो दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट है आपका इंटेंशनल टॉर्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है जानबूझकर। ओके, इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब होता है जानबूझकर किया जाने वाला नुकसान। इफ द टॉर्ट फीजर और रॉन्ग डूअर एक्टेड विद इंटेंट टू कॉज द डैमेज और हार्म। इंटेंशन है आपका किसी को नुकसान पहुंचाना, इंटेंशनली आप जानबूझकर उसका नुकसान कर रहे हो, तो वो आता है इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर। अब ये आप देखो, यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ी को टक्कर मारी गई है जानबूझकर, यहाँ बॉस की टेबल पर चढ़कर उसकी बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, चीखना चिल्लाना, ये जानबूझकर किया गया है। यहाँ पर इसको हथौड़ा फेंक कर मारना, इसके जानबूझकर, यहाँ डॉग को इसके पीछे लगा देना, ये सब क्या है, ये इंटेंशनल टॉर्ट है। ओके, सो ऑल दीज आर इंटेंशनल टॉर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल टॉर्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज असॉल्ट, धमकाना, किसी को धमका देना, ये आता है आपका असॉल्ट के अंदर। फॉल्स इम्प्रीजनमेंट, ये क्या होता है, फॉल्स इम्प्रीजनमेंट, किसी को झूठे केस में फंसाकर उसको जेल करवा देना, ये होता है फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। ये सब इंटेंशनल टॉर्ट के टाइप्स हैं। थर्ड है कन्वर्जन, बातों को कन्वर्ट कर देना, घुमा देना, गलत बताना, ये सब होता है कन्वर्जन। इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, किसी के साथ इमोशनली अटैच होकर उसके साथ गलत कर देना, उसके इमोशंस के साथ खेलना, ये आता है आपका इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। फ्रॉड और डिसीज, धोखाधड़ी के केसेस। ओके, ट्रेसपास टू लैंड एंड प्रॉपर्टी, किसी की लैंड या प्रॉपर्टी में, घर में घुस जाना ज़बरदस्ती, ये आता है ट्रेसपास टू लैंड एंड प्रॉपर्टी में। डिफामेशन, किसी की बेइज्जती कर देना, उसकी इंसल्ट कर देना, ये सब डिफामेशन केस के अंदर कवर होगा। तो ये सब क्या है, ये जानबूझकर किए जाने वाले नुकसान हैं, इंटेंशनल टॉर्ट हैं, ये सब इंटेंशनल टॉर्ट के टाइप्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड वन इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस को अभी बताया मैंने, हिंदी में क्या बोलते हैं, लापरवाही करना। लापरवाही से किसी का आपने नुकसान कर दिया, वो आता है आपका नेग्लिजेंस के अंदर। ओके, नाउ इफ द टॉर्ट फीजर डिड नॉट एक्ट इंटेंशनली बट नॉनथलेस फेल टू एक्ट इन अ वे अ रैशनल पर्सन वुड हैव एक्टेड,
अब यहाँ पर आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सामने वाले का नुकसान हो गया। ओके, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, गलती से हो गया, लेकिन नुकसान तो हो गया, तो ये आता है नेग्लिजेंस के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो भाई साहब हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये जो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इनकी फुटबॉल तो रह गई नीचे और इनकी टांग लग गई जाकर इन भाई साहब को, तो इनको तो चोट आ गई, इनके बहुत दर्द हुआ। तो ये क्या है, ये इनको गलती आपने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ, पर नुकसान तो हो गया ना, तो भुगतना तो पड़ता है जब नुकसान हो गया, चाहे गलती से हुआ चाहे कैसे भी हो। ठीक है, तो नेग्लिजेंस में गलती से किए जाने वाले नुकसान कवर होंगे टॉर्ट लॉ के। तो ये नेग्लिजेंस है। अब नेग्लिजेंस के भी कुछ टाइप्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के भी टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। अ पर्सन हु ड्राइव्स एंग्रीली इन ए क्राउडेड स्ट्रीट कॉजेज इंजरी टू अ पर्सन इज सेड टू हैव कमिटेड एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। अब ये एडवर्टेंट नेग्लिजेंस होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनजाने में लापरवाही। ओके, लापरवाही हुई आपसे लेकिन अनजाने में हुई, उसको बोलते हैं एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। अ पर्सन हु ड्राइव्स एंग्रीली इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। अब ये जो पर्सन है, ये अपने ऑफिस से आ रहा है, अपने बॉस की गालियाँ सुनकर या डांट सुनकर बहुत गुस्से में अपने ऑफिस से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो गुस्से में है तो ये ड्राइव कर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। अब मार्केट प्लेस है, बहुत सारे लोग हैं, ये गुस्से में आ रहा है तो इसे पता नहीं चला, गुस्से में इसने किसी दूसरे पर्सन को टक्कर मार दी। ठीक है, अब इसने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया, जानबूझकर उसका इंटेंशन नहीं था टक्कर मारने का, लेकिन वो बहुत गुस्से में आ रहा था तो उसे पता नहीं चला, इसको टक्कर लग गई। ठीक है, तो ये होता है एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। ओके, अनजाने में की गई लापरवाही। नेक्स्ट वन इज इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं जानबूझकर लापरवाही करना। जानबूझकर लापरवाही, ये होता है इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस। लास्ट वाला क्या था, एडवर्टेंट, वहां आप जानबूझकर नहीं कर रहे थे, वहां जाने में लापरवाही हो गई थी। ठीक है, अब है इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस, ये आप जानबूझकर लापरवाही कर रहे हो। इसमें एग्जांपल है डॉक्टर हु ट्रीट्स अ पेशेंट विथ नेग्लिजेंस। अब यहाँ क्या हो रहा है, पेशेंट आ चुका है डॉक्टर साहब के पास, अब डॉक्टर साहब उसका ब्लड ले रहे थे, इतने में कॉल आ गया तो डॉक्टर साहब लग गए फ़ोन पर। अब वहाँ क्या हो रहा है, पीछे उसका ब्लड निकले जा रहा है और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं फ़ोन पर। तो ये क्या किया, ये आपने जानबूझकर लापरवाही की, अनजाने में नहीं हुई, जानबूझकर आपने लापरवाही की है। अब जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करते करते उनके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, अनजाने में नहीं कर रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे एक ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन करते करते कॉल आ जाती है, अब फिर वो कॉल पर लग जाते हैं डॉक्टर साहब और सीज़र रह गई पेट के अंदर। तो ये सब क्या है, ये जानबूझकर किया गया नेग्लिजेंस है। सो दिस इज़ कॉल्ड दी इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस, जहाँ आप गलती तो करते हैं लेकिन जानबूझकर करते हैं, अनजाने में नहीं। ओके, अब थर्ड वन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कठोर दायित्व। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब, इफ द टॉर्ट फीजर इज एंगेज्ड इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड समवन इज इंजर्ड और किल्ड, द टॉर्ट फीजर इज हेल्ड liable no matter how causeous or incausious he or she has been. Okay, strict liability क्या होती है, चाहे आपने जानबूझकर किया, चाहे अनजाने में किया, कैसे भी किया, आप liable हो उस चीज़ के लिए, चाहे आपने intentionally कुछ गलत किया हो, किसी का नुकसान किया हो, या negligence में किया हो, गलती से हुआ हो, अनजाने में हुआ हो, कैसे भी हुआ,
नुकसान तो हुआ है, तो ये आ जाता है टॉर्ट लॉ का एक ऐसा पॉइंट है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें आप 100% लायबल होते ही होते हैं. ओके, अब ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर गानिम. ओके, ये एक पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर गानिम. अब इनको जो है जानवरों का बड़ा शौक है, बड़ा प्यार है इन्हें जानवरों से. अब ये अपने घर पर एक पेट पालते हैं, वो पेट कौन सा होता है? डॉग. ओके, मिस्टर गानिम अपने घर पर पेट पालते हैं, डॉग है वो एक. ठीक है, अब जो डॉग होते हैं उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है. अब वो जब गुस्सा आएगा उन्हें तो वो अपने मालिक को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मालिक के तो बहुत वफादार होते हैं, ना मालिक को नुकसान पहुंचाएंगे ना मालिक की फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे. ठीक है, तो मिस्टर गानिम के घर में पेट है. अब मिस्टर गानिम उस पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, पर जो डॉग है उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो मिस्टर गानिम और उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाता. अब डॉग करे तो क्या करे, गुस्सा कहाँ निकाले अपना? तो मिस्टर गानिम के एक पड़ोस में इनके एक फ्रेंड रहते हैं, इनका नाम है, गानिम के फ्रेंड का नाम है मिस्टर उसैद. ओके, ये गानिम के पड़ोस में इनके फ्रेंड रहते हैं मिस्टर उसैद. अब गानिम को आता है गुस्सा, ये चिल्लाते हैं डॉग पर, डॉग को भी आ गया गुस्सा. अब डॉग क्या करता है, डॉग बाहर जाता है गुस्से में और मिस्टर उसैद के काट लेता है. ठीक है, ओके, अब मिस्टर उसैद को काट लिया. अब मिस्टर उसैद क्या करते हैं, अब मिस्टर उसैद को लॉ की नॉलेज नहीं है, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कंपनसेशन चाहिए मिस्टर गानिम से. किस चीज़ का कंपनसेशन, क्योंकि उनका नुकसान हो गया मिस्टर उसैद का, उन्होंने ट्रीटमेंट कराना पड़ा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इंजेक्शन लगे, मेडिसिन ली, बहुत नुकसान हो गया उसैद का और पेन हो गया अलग. तो मिस्टर उसैद कहते हैं मुझे कंपनसेशन चाहिए मिस्टर गानिम से, तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका आंसर दीजिए. मिस्टर गानिम कंपनसेशन देंगे कि नहीं? अब जो ये मिस्टर गानिम हैं ये कहते हैं इन सब में मेरी क्या गलती है. ओके, मिस्टर गानिम कहते हैं मेरी क्या गलती है, मैंने ना तो अपने डॉग को भड़काया ना उकसाया कि जाकर मिस्टर उसैद को काटे, कुछ भी नहीं किया, तो why would I pay the compensation for my dog's mistake? मैं क्यों कंपनसेशन दूँ मिस्टर उसैद को? ओके, तो ये मिस्टर गानिम कहते हैं कि मेरी क्या गलती. अब मिस्टर उसैद को तो चाहिए कॉम्पनसेशन, तो इनको कॉम्पनसेशन कोर्ट से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो, मिस्टर उसैद को मिस्टर गानिम से कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो, टेल मी दी आंसर. यस, इनको कॉम्पनसेशन मिलेगा. यस, ओके, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. क्यों मिलेगा? क्योंकि ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर कवर हो रहा है. यही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. यहाँ पर मिस्टर गानिम की भले ही कोई गलती नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमारे टॉर्ट लॉ के अंडर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलते हैं. यहाँ पर चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन जो जानवर है या कोई इंसान है वो अगर आपके अंडर में है, आपके अंडर में है अगर वो, तो वो अगर किसी का नुकसान पहुँचाता है तो लायबल आप ही होंगे. यही है, दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, सो दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वेदर यू आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट, वेदर यू हैव डन एनी रॉन्ग और नॉट, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल. जो आपके अंडर में काम कर रहा है, जो आपके अंडर में है, चाहे वो डॉग हो या कोई इंसान हो, कोई पेट हो या कोई चीज़ हो, कोई भी आपके अंडर में है अगर, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर वो किसी और का नुकसान कर रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं. तो मिस्टर गानिम रिस्पॉन्सिबल हैं और मिस्टर उसैद को मिलेगा कॉम्पनसेशन मिस्टर गानिम से. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट केस इज राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर. वो तो एग्जांपल था, अब ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का बहुत फेमस केस, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर. ये एक रियल केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर. अब इसमें क्या होता है,
इसमें ये जो पर्सन है रायलैंड वो बनाना चाहता है रिजर्वायर. ओके, वो रिजर्वायर कहाँ बनाता है? अपनी ज़मीन पर, अपनी लैंड पर. उसकी लैंड है वहाँ पर वो रिजर्वायर बनाना चाहता है पानी को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए. पानी की कमी है तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, काम करना है, तो वो चाहता है कि मैं अपना स्टोरेज, मैं पानी का स्टोरेज कर लूँ रिजर्वायर बनाकर. ओके, तो वो अपनी लैंड पर बनाना चाहता है, अपनी ज़मीन के ऊपर एक रिजर्वायर अपना वाटर को स्टोर करने के लिए. ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये है रायलैंड और इनके पड़ोस में है फ्लेचर. ये है फ्लेचर, ये रायलैंड की लैंड है और ये फ्लेचर की लैंड है. ओके, अब जो रायलैंड की लैंड है वो यहाँ पर बनाना चाहता है रिजर्वायर. ओके, पानी को स्टोर करने के लिए. अब ये इस ये काम करने के लिए ये हायर करता है एक कॉन्ट्रैक्टर को. रायलैंड जो हैं वो हायर करते हैं अब यहाँ जो ये रायलैंड है ये हायर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को रिजर्वायर बनाने के लिए. एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं. अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बनाएगा रिजर्वायर रायलैंड की ज़मीन पर. ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्लेचर की ज़मीन है यहाँ. अब फ्लेचर जो ओनर है अपनी ज़मीन का, उसका क्या काम है? उसकी ज़मीन में है कोल माइंस. कोल माइंस, कोयले की खान. ओके, ये इसकी ज़मीन है, यहाँ पर है कोल माइंस. अब कोल माइंस तो ज़मीन के बहुत अंदर तक होते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये आराम से अपना बिजनेस कर रहा है फ्लेचर, कोयले निकाल रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है, खा पी रहा है आराम से, एकदम सुकून में है ये फ्लेचर. अब रायलैंड का क्या होता है? रायलैंड ने दे दिया कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में काम रिजर्वायर बनाने के लिए. ओके, अब जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये देखता है, नोटिस करता है कि ये जो इसकी ज़मीन है फ्लेचर की, ये जो फ्लेचर की ज़मीन है यहाँ पर है कोल माइंस भरे हुए यहाँ तक. अब ये यहाँ अंदर तक हैं और ये इसके कुछ टुकड़े इसकी ज़मीन में भी आ रहे हैं. रायलैंड की लैंड में भी इसके कुछ टुकड़े आ रहे हैं. तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये नोटिस कर लेता है पर ये इग्नोर कर देता है. इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये इस ज़मीन को प्लेन करे, कवर करे और इसके ऊपर बनाए रिजर्वायर. पर ये रिजर्वायर पूरा नीचे तक बना देता है, एक तालाब बना देता है यहाँ तक. और इस ये जो पानी है, अब जब तक इसने तालाब बनाया जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फ्लेचर को, ये बनाकर चला गया. अब जैसे ही पानी स्टोर किया इस तालाब में, तो इस पानी से इसके कोयले सारे ख़राब हो गए, सारे बर्बाद हो गए और ये पानी यहाँ तक चला गया इसकी ज़मीन तक. ओके, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इसकी कॉन्ट्रैक्टर की कि वो यहाँ पर कवर करता है इसकी ज़मीन पर? उसने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? उसने सोचा मेरा, मुझे तो पैसे रायलैंड दे रहा है, मैं क्यों फ्लेचर को वो प्रोटेक्ट करूँ उसकी ज़मीन को? मुझे थोड़ी फ्लेचर पैसे दे रहा है, मैं तो आराम से यहाँ पर बना कर और जाता हूँ रिजर्वायर. तो अब जो है फ्लेचर जाता है कोर्ट में कंपनसेशन लेने के लिए इसके अगेंस्ट, रायलैंड के अगेंस्ट, कि रायलैंड ने मेरा नुकसान किया और मेरे सारे जो कोल माइंस हैं जिससे मेरा बिजनेस चल रहा था वो सब ख़राब हो गए इसकी वजह से, रिजर्वायर की वजह से. तो अब क्या होता है, ये रायलैंड कहता है मेरी क्या गलती, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अब उसने गलती करी है तो इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो जाकर उससे पूछो उसने ऐसा क्यों नहीं किया. तो अब बताइए, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे केस में या रायलैंड रिस्पॉन्सिबल है पूरे केस में? कंपनसेशन उसे चाहिए फ्लेचर को, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो कौन देगा, रायलैंड देगा या उसका कॉन्ट्रैक्टर देगा? टेल मी द आंसर. रायलैंड देगा कॉम्पनसेशन. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर किसके अंडर काम कर रहा है? रायलैंड के. सो रायलैंड इज रिस्पॉन्सिबल. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. यही तो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यही तो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, जो अभी मैंने केस वो एग्जाम्पल समझाया था
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का डॉग वाला, वही सेम ये भी है, इसमें रिस्पॉन्सिबल है ये। ओके, जैसे वहाँ पर डॉग काम कर रहा था, डॉग ने नुकसान किया मिस्टर उसैद का, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, गानिम ने वो दिया कंपनसेशन किसको, मिस्टर उसैद को, क्योंकि उसके डॉग ने उसे काटा, तो वहाँ वो रिस्पॉन्सिबल था। अब चाहे जानवर हो या कोई इंसान हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि नुकसान किया कॉन्ट्रैक्टर ने, पर ये कॉन्ट्रैक्टर किसका काम कर रहा था, रायलैंड का। ओके, दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आपने चाहे गलती की हो या नहीं की हो, नुकसान अगर हो रहा है आपकी वजह से किसी का, जो आपके अंडर में काम कर रहा है, अगर वो किसी का नुकसान कर रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस केस में रायलैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लीगल डैमेजेस। अब हम बार बार कॉम्पनसेशन, डैमेजेस ये सब पढ़ रहे हैं। अब ये डैमेजेस होता क्या है, ये जो हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, डैमेजेस होता क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे लीगल डैमेजेस। देयर आर मैनी रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू द इंजर्ड पर्सन एंड द मोस्ट कॉमन रेमेडी इज द अवार्ड ऑफ डैमेजेस। क्रिमिनल केसेस में मिलता है पनिशमेंट और सिविल केसेस में मिलता है डैमेज का कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मिलता है, अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो आप कॉम्पनसेट करोगे उसको। ओके, तो यही है अवार्ड ऑफ डैमेजेस, कॉम्पनसेशन आप दोगे, अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो आप उसको कॉम्पनसेशन दोगे। डैमेजेस आर दैट अमाउंट ऑफ मनी विच द इंजर्ड पर्सन गेट्स फ्रॉम द पर्सन हु कॉज्ड इंजरी टू हिम। डैमेज का एक शॉर्टकट मीनिंग है a compensation which is decided by the court and gets by the person who is injured। कौन किसको मिलता है, injured person को मिलता है compensation। court decide करता है compensation और मिलता किसे है, injured person, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको injury हुई है। okay, in a claim for damages the person should have suffered a legal injury because in case no legal injury happens for a person cannot claim damages even if he suffered an actual loss। no legal injury, अगर आपके साथ कोई legal injury का violation नहीं हुआ है तो फिर actual loss का भी damage नहीं मिलेगा। अगर आपका legal injury violate हुई है, अगर कोई legal right आपका violate हुआ है तभी आपको damage का compensation मिलेगा, otherwise no। ओके, सो लीगल इंजरी पर ही पूरा बेस्ड है आपका डैमेज का कॉम्पनसेशन। अगर लीगल इंजरी वायलेट हुई है तभी मिलेगा कॉम्पनसेशन, अदरवाइज नो। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज मैक्सिम्स। सो कौन से मैक्सिम्स हैं, फर्स्ट इज इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनो का मतलब होता है डैमेज। तो क्या मतलब हुआ इसका, इंजरी विदाउट डैमेज। इंजूरिया साइन डैमनम का मीनिंग है इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी तो हुई है आपको, लीगल इंजरी हुई है, ओके, लीगल राइट आपका वायलेट हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। ओके, इट मीन्स दैट देयर इज अ लीगल इंजरी विदाउट एनी एक्चुअल डैमेजेस। लीगल इंजरी वायलेट हुई है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या है, हमारा लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो अगर वो हमें परफॉर्म करने से कोई रोकता है तो हमें क्या हुई है, लीगल इंजरी, पर कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। तो ये ही है इसका कॉन्सेप्ट इंजूरिया साइन डैमनो का। हेयर द लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज वायलेटेड, देयरफॉर He has a right to go to the court to enforce such right। अगर आपकी legal injury violate हुई है तभी आपके पास right है court जाने का, otherwise no। Court आपकी help नहीं करेगा अगर आपकी legal injury को कुछ भी harm नहीं हुआ है, आपकी legal right violate नहीं हुई है, तो court आपकी कोई help नहीं करेगा। कोर्ट कब हेल्प करेगा, तब जब आपका legal right का violation हुआ है, only then you can go to the court। Now, injury sine damno means violation of a legal right without causing any harm, loss or damage to the plaintiff।
क्या है इंजूरियस एंड एमनम? वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट. लीगल राइट वायलेट हुई है, पर कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई हार्म नहीं हुआ. ओके, ना पैसों का नुकसान हुआ है, ना पैसे खोए गए हैं, ना किसी ने लूटे हैं, आपको कुछ नुकसान नहीं है. सिर्फ आपको लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तभी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तभी कोर्ट आपकी हेल्प करेगा. ओके, अब इसके ऊपर एक केस है इंजूरियस एंड एमनम के ऊपर, HB वर्सेस वाइट. ये वही केस है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था राइट टू वोट का. मिस्टर अय्यर जा रहे थे, याद होगा आपको, वोट देने के लिए और उन्हें रोका गया था. तो वही है ये रियल केस जो हुआ था इस वर्ल्ड में, HB वर्सेस वाइट. ये इसी का पार्ट है इंजूरियस एंड एमनम का, इसी का केस है. HB वर्सेस वाइट इज अ लीडिंग केस एक्सप्लेनिंग द मैक्सिम इंजूरियस एंड एमनम. यही मैक्सिम को समझाता है ये इंजूरियस एंड एमनम को. इन दिस केस द प्लेंटिफ सक्सीडेड इन हिज एक्शन. इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था, जिसने केस किया था, कौन था वो प्लेंटिफ? HB. ये जीत गया था केस. ही सक्सीडेड द केस. कैसे जीत गया था ये? इसने जो अपनी कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में, उसमें ये जीत गया था केस. ओके, इवन थो द डिफेंडेंट्स एक्ट डिड नॉट कॉज एनी डैमेज, द प्लेंटिफ वॉज अ क्वालिफाइड वोटर एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन. जो वोटर था, जो प्लेंटिफ था HB, ये क्या था? ये क्वालिफाइड वोटर था, पर इसको रोका गया था वोट देने से. ओके, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे जिसमें ये जो HB था, ये वोटर था, क्वालिफाइड वोटर था. इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड, 18 ईयर से ऊपर था, सब कुछ, ये एलिजिबल था वोट देने के लिए, पर इसको रोका गया था वोट देने के लिए. किसने रोका था? ऑफिसर ने, रिटर्निंग ऑफिसर, जो डिफेंडेंट था, रिटर्निंग ऑफिसर, जो ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते हैं, जो पूरा प्रोसीजर समझाते हैं वोट का, कैसे देना है आपको, उन्होंने रोका था. रॉन्गफुली रेफ्यूज टू टेक प्लेंटिफ्स वोट. रॉन्गफुली उन्होंने रेफ्यूज किया था कि आप वोट नहीं दे सकते. ओके, नो लॉस वॉज सफर्ड बाई सच रेफ्यूजल बिकॉज द कैंडिडेट फॉर होम ही वॉन्टेड टू वोट वॉन द इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ दैट. अब ये जो पर्सन था, जो वोटर था, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ. इसने, इसको वोट देने से रोका गया, पर इसको कोई नुकसान नहीं हुआ. क्यों कोई नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि जिसको ये वोट देना चाहता था वो इलेक्शन जीत गया था, तो इसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ. इसने वोट नहीं दिया, वो फिर भी जीत गया. ओके, तो अब ये जो है HB, इसने फिर भी अपनी कंप्लेंट डाली कोर्ट में और ये केस जीत गया. कैसे जीत गया? बिकॉज इसको लीगल इंजरी हुई है, डैमेज कुछ नहीं हुआ, ना पैसों का नुकसान हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इसको लीगल इंजरी हुई है. जो इसके पास राइट है, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो इसको परफॉर्म करने से रोका गया है. इसने बोला कि मुझे मेरा लीगल राइट यूज़ करने से मुझे रोका गया है, इसीलिए इसने कोर्ट में केस फाइल किया और ये केस जीत गया, बिकॉज इसको लीगल इंजरी हुई. तो कोर्ट आपकी हेल्प तभी करेगा जब आपके कोई लीगल राइट का वायलेशन होगा, अदरवाइज नो. ओके, अभी जो हमने मैक्सिम पढ़ा इंजूरिया साइन डैमनम, उसी का रिवर्स मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया. डैमनम का मतलब होता है डैमेज, डैमनो हो या डैमनम हो, दोनों का मतलब होता है डैमेज. साइन मीन्स विदाउट और इंजूरिया मीन्स इंजुरी. इंजुरी कौन सी? लीगल इंजुरी. ओके, सो उसी का ये रिवर्स मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम का. रिवर्स मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया, उसी का उल्टा कर दो. ओके, इट मीन्स दैट देयर इज अ एक्चुअल डैमेज बट नो लीगल इंजुरी एंड दस द पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स हिज राइट बिकॉज He has no such right in the absence of a legal injury.
आपका डैमेज हुआ, आपका पैसों का नुकसान हुआ, इस उसका उल्टा है ये मैक्सिम। ओके, आपको डैमेज हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई लीगल राइट का वायलेशन आपका नहीं हुआ। आपके पैसे खो गए या चोरी हो गए, कुछ भी हो गया, आपको पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन आपका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। तो ये कौन से उसमें आता है कॉन्सेप्ट में, डैमनम साइन इंजूरिया के कॉन्सेप्ट में, जिसमें आपको डैमेज होता है लेकिन पैसों का डैमेज होता है या कोई भी लॉस होता है, बट आपको कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता। तो ये जो मैक्सिम है ये आपके टॉर्ट लॉ के अंडर कवर नहीं होगा, इसमें आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कॉम्पनसेशन कब मिलेगा टॉर्ट लॉ में, जब आपके लीगल राइट को हार्म होगी। अगर नहीं होगी तो डैमेज का आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें एक केस लॉ है, एग्जाम्पल है, सॉरी, अ केस वेयर द डिफेंडेंट अ स्कूल मास्टर सेट अप अ रिवल स्कूल टू दैट ऑफ द प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस देयर फीस फ्रॉम $40 टू $20 पर स्कॉलर पर क्वार्टर। ये वही केस है जो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें एक स्कूल बना था, उसके पास ही एक किसी और ने दूसरा स्कूल खोल लिया था। ये वही केस लॉ है ये। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, जिसने स्कूल खोला था उस स्कूल मास्टर ने वहाँ की फ़ीस $40 से $12 कर दी थी, कम कर दी थी फ़ीस। तो सारे बच्चे जो पहले स्कूल था वहाँ से अपना एडमिशन कट करवा के इसके स्कूल में चले गए थे, क्योंकि इसकी फ़ीस कम थी तो सब यहाँ एडमिशन कराने चले गए थे। अब जिसका पहले स्कूल था उसने क्या किया, वो गया कोर्ट कंपनसेशन लेने के लिए कि मेरा बहुत बड़ा पैसों का नुकसान हो गया। जिसने स्कूल खोला है वो लालच दे रहा है बच्चों को कि मुझे हमारे यहाँ की, हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत कम है, तो सब आके यहाँ एडमिशन लो। ओके, तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी ओके सो कोर्ट क्या बोलता है, इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ्स हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस thus suffered by them. It was decided in the case that damnum may be absequio in the absence of injuria. तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला आपको भले ही पैसों का नुकसान हुआ है, आपका डैमेज हुआ है, बट आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, तो कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपका लीगल राइट आपको परफॉर्म करने से रोका जा रहा था तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कोई भी अपना स्कूल खोल सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, कुछ भी फीस रख सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। ओके, तो कोर्ट ने अपना ये डिसीशन दिया था। ओके, तो कोर्ट कब हेल्प करेगा, जब आपके लीगल राइट का वायलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। अब इस पूरे टॉर्ट लॉ में, पूरे मैक्सिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, डैमेजेस कैन बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ इंजूरिया साइन डैमनो बट नॉट इन अ केस ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया। जो फर्स्ट वाला मैक्सिम था इंजूरिया साइन डैमनम, डैमेजेस कॉम्पनसेशन सिर्फ उसी में मिलेगा इंजूरिया साइन डैमनम में। डैमनम में क्या हुआ था, इंजूरिया साइन डैमनम में आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ था। ओके, इंजूरिया साइन डैमनो के मैक्सिम में लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो डैमेजेस सिर्फ इसी केस में मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। डैमनम साइन इंजूरिया में कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा, तो इसमें आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। कॉम्पनसेशन सिर्फ आपको जब लीगल राइट आपका वायलेट होगा, सिर्फ तभी मिलेगा आपको कॉम्पनसेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास अबाउट दी टॉर्ट्स लॉ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बाय बाय।